ऐसा हम भी खाते। तो अगर किसी चीज को पूरे मन से चाहो तो सारी कहानियाँ कायनात भी उसे मिलाने पे लग जाती है। ये डायलॉग तो खैर मैंने नहीं लिखा है और ये फिल्म में लिखा हुआ है और शाहरुख खान ने बोला है, लेकिन इस डायलॉग पे संदेह था, क्योंकि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग होते हैं वो जब तक उस चीज़ को प्रूफ ना कर लें तब तक मानते नहीं हैं। तो एक ऐसा ही किस्सा आप सोचेंगे कि ये अंडमान लवर पे अंडमान अपडेट्स के अलावा ये क्या बातें होने लगी। तो ये बातें इस तरीके से हैं, कहानी है लगभग 3 साल पहले पुरानी, मान के चलें जून 2019 की, जहां पर आप लोगों की तरह मैंने अंडमान का कोई अपडेट डाला। और अपडेट डालने के बाद क्या हुआ कि जैसे आप लोग मुझे किसी कमेंट में ईमेल करते हैं, तो ऐसे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है रंजीत जी और वो बैंगलोर के रहने वाले हैं और मैं इस समय ये जो वीडियो बना रहा हूँ बैंगलोर से ही बना रहा हूँ। तो उन्होंने एक मेल लिखा, उन्हें अपनी फैमिली के साथ अंडमान घूमने आना था, हमारे बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुआ और फाइनली उनका अंडमान ट्रिप हमने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया, मैनेज किया। और 3 साल से लगभग वो और हम टच में थे, एक सब्सक्राइबर से बढ़कर क्या है एक अलग सा पर्सनल रिलेशन डेवलप हो गया था। और लगभग 3 साल के बाद मुझे अंडमान से पोर्ट ब्लेयर से बैंगलोर आने का मौका मिला। तो मुझे याद आया कि 3 साल पहले हमें रंजीत जी मिले थे जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ बैंगलोर में रहते हैं, और आज मैं ये शूटिंग उन्हीं की छत से उन्हीं की टेरेस गार्डन से कर रहा हूँ और ये उनका पीछे पूरा परिवार है और ये रंजीत जी हैं। हेलो रंजीत जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये हमारा सफ़र है और ये मेरी पीछे फैमिली है, मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, सिस्टर इन लॉ है, और ये ब्रदर है, और ये मेरी छोटी सी भतीजी है, और हम सब लोग इन्हीं की टेरेस पर आनंद ले रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सोचिए ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट है कि हम लोग आपस में देखते हैं और हम शायद चाय पी रहे हैं, मतलब फैमिली बन गए। तो बाकी का किस्सा थोड़ा सा ब्रीफ में मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको रंजीत जी बताएंगे। और ये एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं आईटी सेक्टर की, जिसका नाम मैं नहीं यहाँ पे ओपन अप कर रहा हूँ, और बहुत ही बड़ी पोस्ट पे हैं और हम पहले से नहीं जानते थे, लेकिन देखिए फिर भी अनजाने लोग कैसे आपस में मिलके एक परिवार बन जाते हैं। और क्या हमारी कहानी रही हमारे चैनल अंडमान लवर की, उसमें क्या भूमिका रही, ये मैं रंजीत जी से आपको सुनवाना चाहूँगा। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जान पहचान भी कुछ ऐसे सिचुएशन में हुआ जब हम अंडमान का ट्रिप बना रहे थे, और हमारा जो अंडमान का ट्रिप जो था, मतलब पिछले 5 साल के ट्रिप में देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेल प्लान ट्रिप था, जो कि हमारे इनके वजह से शायद यदि ये सम्मिलित तो उसमें नहीं होते तो नहीं हो पाता। और उसके बाद इन्होंने जो चैनल वगैरह बनाया तो उससे हमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला, जो कि एज ए टूरिस्ट यदि आपको किसी नए जगह के बारे में यदि जानना है तो जिस लेवल का डिटेल इनके चैनल पे है वो यदि जब तक आप देखेंगे नहीं शायद तब तक आपको उतना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको पता ना चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, और मेरे ख्याल से दोस्त से तो अब हम लोग पारिवारिक रूप में जुड़ गए हैं यहाँ पे बैंगलोर में, इनके रिलेशन में भाई सब हैं यहाँ पे, तो अब मिलना जुलना होता ही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे रंजीत जी, और मैंने सोचा हमारे सब्सक्राइबर को भी पता होना चाहिए ये सारी बात। और ये सारे में आपको एक बार छोटा सा इनका ऑर्गेनिक गार्डन है, 100% ऑर्गेनिक गार्डन का दर्शन करा दूँ। लाल लाल आपको ऑर्गेनिक टमाटर चमक रहा है, ठीक है। ये आपके कोरिएंडर लीव्स हैं, ये कोरिएंडर लीव्स हैं, ये मिंट लीव्स हैं, और इधर ग्रेप्स हैं। ये देखिए, ये रंजीत जी खुद दिखाएंगे, ये ग्रेप्स का है जो एवरी ईयर 40 से 50 kg ग्रेप्स जो है हार्वेस्टिंग होता है हमारा इससे। और कैसे होता है उसकी सेपरेट वीडियो बन जाएगी, आप ये क्वेश्चन ना पूछें कि कैसे होता है, उसकी सेपरेट वीडियो होगी। और बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं, पीछे 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 कैबेज लगी हुई हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, नर्सरी भी हमारा अपना ही है इस साइड में, जहाँ पे खुद सैपलिंग ग्रो करते हैं यहाँ पे, और उसी को बाद में ट्रांसप्लांट करके पौधे बनाते हैं। तो ये इनकी हार्ड वर्क है, क्योंकि ये बहुत बड़े कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, लगभग 12 से 14 घंटा ये अपने प्रोफेशन को देते हैं, उसके बाद भी ये यहाँ पर हैं और इतना टाइम निकाल पाते हैं। और ये इन्हीं का डेडिकेशन है कि आज हम यहाँ पर हैं, क्योंकि इनिशियल मेल में मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था, क्योंकि
हम दोनों एक दूसरे में कभी लाइफ में मिले ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मिले नहीं तो हम कैसे ट्रिप करें और एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फिर भी इनकी मैच्योरिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर के बेस पे इन्होंने इतना किया कि नाउ आई फील दैट एवरीवन माय जो यूट्यूब की एक्सटेंडेड फैमिली है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बहुत पोटेंशियल है और हम सब लोग मिल सकते हैं और एक बहुत बड़ा परिवार बना सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, चाहे हम एक दूसरे के रिलेशन में हों या ना हो। तो आज की ट्रिप के लिए मैं रंजीत जी को धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद, और आने वाले सभी अंडमान जो हमारे टूरिस्ट हैं उनसे वेलकम करता हूँ। और आपको कोई डाउट है तो जितनी मेरी पॉसिबिलिटी होगी मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, कुछ दिन मैं बैंगलोर में हूँ। अगर बैंगलोर में कोई है और मुझसे मिलना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है या मेरी ईमेल है अबाउट सेक्शन में, वहाँ से आके डाले और वी विल प्लान एंड वी विल हेल्प यू आउट। बेस्ट द विश, ऑल द बेस्ट फॉर योर फैमिली। थैंक यू। थैंक यू।